दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप इन सभी को देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सकर्मक कर्मक क्रिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप सभी ने बहुत ढेर सारे कमेंट किए थे कि इस विषय पर भी वीडियो बनाएं, तो मुझे लगा यार आपकी बात कैसे टाल जा सकती है, बनाना तो पड़ेगा ही, है ना। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा समझने में। मैं सही बता रहा हूँ, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा समझने में, इसलिए ध्यान से देखना, बहुत ही आराम से समझ में आएगा। और अगर यहाँ नहीं समझ में आया ना तो मैं बता दूँ कि कभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण खूब ढेर सारा मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो सकर्मक अकर्मक क्रिया का जो भ्रम होता है वे दूर हो जाएगा, और परीक्षा में आता भी है, लगता है कि जैसे होता है ना कि आता भी एग्जाम में और फिर लगता है कि ये होगा कि ये होगा, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जब आप लाइक दबाते हैं तो जितना ज़्यादा मुझे लाइक मिलती है उतना ज़्यादा मैं और जल्दी से जल्दी क्या करता हूँ और सोचता हूँ कि और वीडियोज़ लाया जाए, है ना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके और आपके कोर्स को कम्प्लीट किया जा सके, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की, ठीक है। क्रिया है, देखिए क्रिया का मतलब होता है कि किसी चीज़ का काम करना, ठीक है। क्रिया करना, क्रिया का मतलब करना एक टाइप से, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे हमने एक शब्द जोड़ दिया है सकर्मक और अकर्मक, तो इसका मतलब क्या है, तो यानी क्रिया तो है लेकिन कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया, इसका मतलब क्या होता है एक बार समझ लेते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं, खुद समझ में आ जाएगा आराम से। देखिए सकर्मक, कर्मक का मतलब यहाँ पे देखिए कर्म और स मतलब साथ, इसको ऐसे बांट दीजिए। अगर देखिए स कर्मक और क्रिया, यानी क्रिया है लेकिन कैसी क्रिया है, जिसमें कर्म क्या हो, स हो, मतलब साथ में, यानी जिसमें जिसमें कर्म हो, जिसके साथ में कर्म हो, वो कैसी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और इसी का अपोजिट अकर्मक क्रिया। अब देखिए अकर्मक में भी अगर इसको ऐसे बांट दे तो अ अलग हो गया, कर्म का मतलब कर्म, यानी कर्म के बिना, तो जिस ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया हो गई। परिभाषा क्लियर हो गई होगी, छोटी सी परिभाषा बहुत आराम से थी, अब लोग इसका समझते हैं कि कैसे होती है, ठीक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूटन सेब खाता है, ठीक है, न्यूटन सेब खाता है, राहुल ने खिलौना तोड़ा, घोड़ा दौड़ता है, हम रात भर सोते हैं। बस यहीं पे पूरे वीडियो में, आप वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, बस इसी जगह पे ध्यान दीजिए, उसके बाद का मैं जितना भी चीज बताऊंगा आप खुद बताओगे मुझे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस पार्ट को आप ध्यान से देखना। देखिए न्यूटन सेब खाता है, यहाँ पे हो क्या रहा है एक बात ध्यान से देखिए, न्यूटन सेब खा रहा है तो एक चीज बताइए, यहाँ पे जो सेब है, ठीक है, ये जो सेब हो रहा है कैसा हो रहा है बताइए, खा जा रहा है तो खाने के बाद क्या होगा, सेब खत्म होगा कि नहीं होगा, मैं कॉमनली बोल रहा हूँ, न्यूटन ने सेब खाया तो सेब क्या होगा, खत्म होगा, यस जरूर खत्म होगा, या जैसे न्यूटन सेब खा लिया तो खत्म हो गया, यानी प्रभाव पड़ रहा है किस पे, सेब पर। चलिए एक और बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पे, मैं इसकी ट्रिक ही बता रहा हूँ, याद रखिएगा, राहुल ने खिलौना तोड़ा, तो यहाँ पे खिलौना है, ठीक है, तो खिलौना क्या कर दिया, तोड़ दिया है, तो क्या हुआ, खिलौना पे प्रभाव पड़ा, खिलौने पे प्रभाव पड़ा, जरूर पड़ा। तो इसका मतलब कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिस पर क्या पड़े, कुछ कम हो, कोई भी चीज़, जैसे ये वाक्य था न्यूटन सेब खाता है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें सेब खत्म हो रहा था, सेब खराब हो रहा था, सेब क्या हो रहा है, सेब पर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी चीज़ का या कुछ भी हो, जैसे जैसे मैं साइकिल सड़क पर चलाता हूँ, ठीक है, तो सड़क क्या हो रही है, सड़क भी खराब हो गई, मैं सड़क पे चलता हूँ तो सड़क क्या हो गई, सड़क खराब हो रही है ना। तो यानी कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा हो जिस पर फर्क पड़ता है, ठीक है, जो फर्क पड़े, खराब हो, कम हो, ज़्यादा हो, ठीक है, जरूरी नहीं कम ही हो, ज़्यादा भी हो सकता है, फर्क पड़े, ठीक है, तो वहाँ पर कैसा हो जाएगा, वे हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। समझ में आ गया। जैसे इसको और ऐसे पहचानना हो कि जैसे न्यूटन सेब खाता है तो ऐसे अगर क्या लगा देते हैं, तो न्यूटन क्या खाता है, तो न्यूटन सेब खाता है, तो क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया। अब देखिए जैसे न्यूटन क्या है हमारा, आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे न्यूटन हमारा होता है कर्ता,
खाता है हमारा क्रिया, देखिए क्रिया का मतलब जो करना हो गया, तो क्या कर रहा है वे, खा रहा है, तो क्या ये खाता है क्या हो गया, क्रिया। देखिए क्रिया मिल गई, क्रिया के पहले सकर्मक होगा या अकर्मक, तो क्रिया के पहले कर्म मिल गया इसलिए सकर्मक क्रिया हो गई। इतना डाउट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से राहुल ने खिलौना तोड़ा, ये वाला समझिए, तो राहुल ने खिलौना तोड़ा मतलब कि राहुल क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है, और तोड़ा मतलब क्रिया हो गई, क्या किया उसने, तोड़ दिया, क्या तोड़ा, खिलौना तोड़ा। अब देखिए खिलौना क्या हुआ, कम हुआ, खत्म हुआ, बेकार हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन कब फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, जल्दी बताइए। बहुत अच्छा, तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ सकर्मक हो जाएगी और कौन सी चीज़ अकर्मक हो जाएगी, ये समझ में आया। चलिए अब हम लोग अकर्मक पे आते हैं, ठीक है, सकर्मक तो समझ में आ गया, अकर्मक मुझे समझाना है। देखिए अकर्मक में अब देखिए जैसे घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, घोड़ा हमारा कर्ता हो गया, दौड़ता है हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ठीक है, घोड़ा दौड़ता है तो इस पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस पर प्रभाव घोड़े पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कि किसी और पे पड़ रहा है, बताइए। घोड़ा दौड़ता है तो बैल पे प्रभाव तो पड़ नहीं रहा है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, घोड़े पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर कुछ भी काम हो रहा है, कोई ऐसा सेंटेंस पढ़ रहे हैं जिसमें प्रभाव किस पे पड़े, कर्ता पर पड़े, सब्जेक्ट पे पड़े, ठीक है, सारा जोर जितना भी इफेक्ट है वे किस पे पड़े, वो किस पे पड़े, वे कर्ता पर पड़े, सब्जेक्ट पे पड़े, तो वे क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बोलिए, वे अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। अब देखिए जैसे हम रात भर सोते हैं या हम रात भर सोते रहे, अब देखिए जैसे फंसाने के लिए थोड़ा और बड़ा कर दिया ना, हम रात भर सोते रहे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, जैसे मैं अभी इसमें लोग समझेंगे कि रात भर भी आ गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बस इसका ध्यान दीजिएगा कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सोने का प्रभाव बताइए किस पर पड़ेगा, जल्दी बताइए। यहाँ पे सोने का प्रभाव, मैं सो रहा हूँ या हम सो रहे हैं या आप सो रहे हैं, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, बताइए जल्दी से, जरूर जरूर किस पर पड़ेगा, ये हम पर पड़ेगा ना, यानी कौन सो रहा है, हम सो रहे हैं, अब यानी प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हम पर पड़ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। कैसी क्रिया हो गई, जल्दी अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो समझ में आ गया ना ये चीज़ कि अकर्मक क्रिया क्या होगी और सकर्मक क्रिया क्या होगी, जिसमें क्या हो, जिसमें कुछ भी फर्क पड़ रहा हो, कुछ भी प्रभाव हो रहा है, खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किसी भी तरह का प्रभाव पड़ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। और जिसमें क्या हो, कर्ता पर प्रभाव पड़े, ठीक है, जब कर्ता पर प्रभाव पड़े तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, अकर्मक क्रिया। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उदाहरण समझेंगे और ये उदाहरण मैं नहीं, आप खुद बताओगे, खुद बोलोगे, वहाँ पे हो, मैं पता है कि आप स्क्रीन के उस तरफ हो लेकिन बोलना, ठीक है, आप देख रहे हो, बोलिए ध्यान से, मेरे साथ बोलते चलिएगा, ठीक है, कि कौन सी क्रिया है। चलिए आते पहले उदाहरण पे, जैसे है यहाँ पे राहुल घूम रहा है, आपकी बारी, बताओ यहाँ पे कौन सी क्रिया है, सकर्मक होगी या अकर्मक होगी। मैं आपको इतना ज़्यादा इसमें आपको पढ़ा पढ़ा के दसों एग्जाम्पल को इतना ज़्यादा कर दूंगा कि कभी ज़िंदगी में भी आप अकर्मक और सकर्मक में कन्फ्यूज नहीं होंगे। जल्दी बताइए, राहुल घूम रहा है, यहाँ कैसी क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक, वेरी नाइस, कैसे, क्योंकि यहाँ पे कौन घूम रहा है, राहुल घूम रहा है, और कुछ हो रहा है क्या, कुछ प्रभाव पड़ रहा है, किस पे प्रभाव पड़ा, यहाँ पे प्रभाव जो है वे कर्ता पे पड़ा है ना, यहाँ पे प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, यानी राहुल पे पड़ रहा है, यानी घूम कौन रहा है, घूम राहुल रहा है, और इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी, इसमें कर्म है क्या कहीं पे, नहीं है ना, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए लालू ने चारा खाया, सुना होगा आप लोगों ने, खैर लालू ने चारा खाया तो इसमें कौन सी क्रिया हो गई, जल्दी से बताएं, सकर्मक होगी या अकर्मक होगी, जल्दी से बताइए, टाइम कम है, वेरी नाइस। तो देखिए लालू ने चारा खाया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है क्या, क्या कम हो रहा है भाई, यहाँ पे चारा जो है वे कम हो रहा है, ठीक है, जो चारा है वे क्या हो रहा है, वे कम हो रहा है, यानी लालू ने चारा क्या कर लिया, खा लिया, या कहीं भी कुछ भी कर लिया, तो वे क्या हो गया, वे कम हो रहा है या खराब हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, खराब हो गया, कम हो गया, तो इसलिए कौन सी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रभाव पड़े किस पर, कुछ कम हो, कुछ ज़्यादा हो, कुछ खराब हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सकर्मक क्रिया, क्लियर है। चलिए आगे जल्दी जल्दी करते हैं, विजय स्कूल साइकिल से जाता है या साइकिल से गया, विजय स्कूल साइकिल से गया, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, सकर्मक है या अकर्मक, जल्दी से बताओ। तो देखिए
विजय स्कूल साइकिल से गया, तो किससे गया? साइकिल से गया। कुछ खराब हुआ क्या इसमें? जल्दी, आवाज़ नहीं आ रही, जल्दी बोलिए। तो देखिए यहाँ पे साइकिल, आप अच्छा एक बात बताओ, आप दुकान गए साइकिल खरीदने, तो आप दुकान गए साइकिल खरीदने तो साइकिल कैसी हुई? नई मिली, एकदम चमचमाती हुई। लेकिन आप उसको अपने घर लेके आए, एक महीने, दो महीने, साल भर यूज़ किए, तो कैसी हो जाएगी? वो खराब हो जाएगी। लेकिन अभी भी आप दुकान पे जाओगे तो जो आपके साथ वाली साइकिल थी वो अभी भी वहाँ पे नई रखी रही होगी, तो इसका मतलब अगर आप उसको प्रयोग करोगे तो खराब होगी कि नहीं होगी? वेरी नाइस, यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो साइकिल क्या हो रही है? खराब हो रही है। तो इसका मतलब कौन सी क्रिया होगी यहाँ पे? सकर्मक क्रिया होगी। बहुत बहुत अच्छे हैं आप लोग। चलिए आगे देखिए, जंगली हाथी भाग गया। तो जंगली हाथी भाग गया में क्या होगा दोस्तों? जंगली हाथी भाग गया, यहाँ पे ये करता है और ये क्रिया है, ठीक है? तो प्रभाव किस पर पड़ा? कौन भाग गया, किस पर प्रभाव पड़ रहा है? हाथी पर सीधे प्रभाव पड़ रहा है। देखिए जंगली हाथी ये पूरा एक क्रिया है, याद रखिए जंगली और हाथी अलग अलग नहीं है, ठीक है? तो ये पूरा प्रभाव पड़ रहा है, ये भाग गया, तो यहाँ पे ये अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है? और देखिए कुत्ता हड्डी चबाता है, क्या हो रही है हड्डी यहाँ पे? देखिए यहाँ पे क्या कम हो रहा है, यहाँ पे हड्डी कम हो रही है ना, हड्डी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? ये सकर्मक क्रिया हो गई। अब देखिए राधा मूर्ति बनाती है, यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? जल्दी बताओ यहाँ पे कौन सी क्रिया? राधा मूर्ति बनाती है, तो यहाँ पे राधा क्या कर रही है? मूर्ति बना रही है ना, फर्क क्या पड़ रहा है? जैसे मिट्टी का ही मिट्टी है, मिट्टी को खराब करके मूर्ति बना रही है ना, या मिट्टी को ट्रांसफॉर्म कर रही है, तो क्या होगा? चेंज हो रहा है ना कुछ चीज़ें खराब हो रही है, तो या कुछ चीज़ें बन रही है, तो क्या हो गया? ये हमारा हो गया सकर्मक क्रिया। समझ में आ गया ना, ये क्या है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है? अब आगे आते हैं, मिल्खा तेज दौड़ता है। मिल्खा सिंह जानते होंगे आप सब, मिल्खा तेज दौड़ता है, तो मिल्खा तेज दौड़ता है तो कौन सी क्रिया होगी? जल्दी बताइए आप सब। और यार लाइक किसने किया, जल्दी जल्दी लाइक करिए, किसने लाइक नहीं किया है बहुत गलत काम किया है, लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है? चलिए, मिल्खा तेज दौड़ता है, कौन सी क्रिया है? देखिए यहाँ पे कौन तेज दौड़ रहा है, यहाँ पे सीधे प्रभाव किस पे पड़ रहा है? चाहे तेज दौड़े, चाहे धीरे दौड़े, चाहे रेंगे, फर्क किस पे पड़ना है? फर्क तो एक ही आदमी पड़ेगा जो करता है, यानी मिल्खा पर फर्क पड़ा है ना। अगर मिल्खा रेंगता जाता है तो भी फर्क तो मिल्खा पर ही पड़ेगा ना, या तेज तेज या उड़ के जाता है तो भी किस पे पड़ेगा? मिल्खा पर ही पड़ेगा। तो प्रभाव जब कर्ता पे पड़ रहा है तो कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? वहाँ पे होगी हमारी अकर्मक क्रिया, ठीक है? अब देखिए गीता तेज गाती है, तेज गाती है, और यहाँ भी कौन गा रहा है? गीता गा रही है, फर्क किस पे पड़ेगा? गीता पे पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई? ये भी अकर्मक क्रिया हो गई। चलिए कोहली क्रिकेट खेलता है, ठीक है? देखिए कोहली क्रिकेट खेलता है, तो कोहली क्रिकेट खेलता है तो फर्क किस पे पड़ रहा है यहाँ पे बताइए? कुछ कम ज़्यादा या हाँ, तो कन्फ्यूज मत होइए, जल्दी से बताइए। कोहली क्रिकेट खेलता है तो ये हमारी है सकर्मक क्रिया। कैसे है? देखिए क्रिकेट खेलता है, मान लो यार 20 ओवर का मैच चल रहा है, ठीक है? क्रिकेट खेल रहा है और 20-20 ओवर का मैच है, कुछ समय बाद वो ओवर कम होते जाएंगे, तो क्या होगा? क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा, मैच ओवर हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे ये कौन सी क्रिया है? ये हमारी सकर्मक क्रिया है, ये समझ में आ गया होगा। आगे चलें, बच्चा दिन भर रोता है। यार दिन भर रोए, रात भर रोए, दोपहर भर रोए, फ़र्क किस पे पड़ना है? जल्दी बताओ, बच्चों पर पढ़ना है, ठीक है? माँ बाप पर नहीं पढ़ना है। देखिए बच्चा दिन भर रोए तो फर्क किस पे पड़ेगा? बच्चे पे पड़ेगा, यानी कौन सी क्रिया यहाँ पे? सकर्मक क्रिया है, सॉरी अकर्मक क्रिया है, ठीक है? बच्चा दिन भर रोता है, यहाँ पे कर्म कहीं भी नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये हमारे आज के एग्जाम्पल्स, और अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद तो आप सकर्मक अकर्मक में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल भी किसी प्रकार से आपको संदेह नहीं रह गया होगा। रह गया हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, और मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक काम और कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइए कि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और अगला वीडियो किसका चाहिए जल्दी से कमेंट करिएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।